साथियों वेलकम बैक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार, आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस करेंट क्लास में और आज देखेंगे हम लोग करेंट अफेयर का 9 सितंबर का घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो कुछ करेंट अफेयर्स जो मैं 9 सितंबर से संबंधित जोड़ करके कलेक्ट करके लाया हूं, जो यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है और चीजों को इसी तरह से आपको फ्रेम करना है कि कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी करंट अफेयर क्लास कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ, वो इस चैनल को लिंक को अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए देखते हैं 9 सितंबर से संबंधित घटनाक्रम को। तो पहला एक इंपॉर्टेंट न्यूज रूस से है जो आपको ध्यान रखना, और रूस ने आम जनता के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक बी टीका उतारा, ये ध्यान रखना है, स्पुतनिक बी टीका। तो ये नाम याद रखना है किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए। कौन उतारा, तो रूस ने। रूस पहले ही दावा कर चुका है कि वो वैक्सीन बना चुका है, लेकिन इसके दावे पर WHO ने पूरी तरह से प्रमाणिकता नहीं प्रस्तुत किया और इसी के चलते दुविधा है। लेकिन रूस ने अपने आम जनता के लिए, लोगों के लिए अब बाजार में स्पुतनिक बी नामक टीका उतार दिया है जो कोरोना वायरस के लिए लोगों को उपलब्ध होगा और वो लगवा सकते हैं। तो ध्यान रखना है ये टीका का नाम जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पुतनिक बी टीका, इसका कोरोना वायरस का रूस ने उतारा, तो ये ध्यान रखना है। अब आम पब्लिक के लिए रूस में ये उपलब्ध है। इसके अलावा इसका ट्रायल भारत या अन्य जैसे भारत के पड़ोसी देश है वहां पर भी इसका शुरू हो गया है। तो ध्यान देना है सितंबर 2020, ये ध्यान देना है। हमने कहा था पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है पोषण सप्ताह, लेकिन पोषण माह सितंबर 2020 पूरे महीने को चुना गया, मतलब सितंबर का पूरा महीना पोषण माह के रूप में या मंथ के रूप में मनाया जा रहा है, ये ध्यान देना है। और इसका समापन 31 सितंबर मतलब 30 सितंबर तक होगा। तो ध्यान रखना 30 सितंबर तक ये चलेगा और भारत में FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन पोषण सप्ताह के रूप में अपने अपने जगह पर केंद्रों पर कर रहा है, जिसके द्वारा भारत में पोषण संबंधित चीजों को जागरूकता लाना, लोगों को अवेयर करना और कुपोषण से बचाना, क्योंकि कुपोषण के बारे में कहा है कि भारत के लिए कुपोषण एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी आबादी पोषण से दूर है, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। तो इसके चलते पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर जबकि 2020 में पोषण माह सितंबर महीने के रूप को मनाया जा रहा है, ध्यान रखना। आगे चलें तो अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से एक न्यूज है कि सभी रेटिंग एजेंसी जितने भी अर्थव्यवस्था को रेटिंग करते हैं कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, तो सभी रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। ध्यान रखना कि चालू वित्तीय वर्ष जो है 2020-21 का जो चल रहा है, इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। फाइनली अंत में पूरी इकोनॉमी में भारत का या भारत जैसे अन्य देशों का, और सबसे ज्यादा गिरावट भारत, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे देशों में देखने को मिलेगा। और इसमें सभी रेटिंग एजेंसी ने अपने अपने स्तर से रेटिंग किया है और अनुमान लगाया कि गिरावट दर्ज की जाएगी। हमने कहा था पिछले क्लास में कि पहली तिमाही में ही 23% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है और ये सबसे बड़ी गिरावट है, लेकिन पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अलग अलग रेटिंग एजेंसी ने अलग अलग गिरावट का अनुमान लगाया। फिच रेटिंग्स जो है इसने कहा है यह अर्थव्यवस्था भारत की जो है 10.5% तक नीचे जा सकती है, जबकि इंडिया रेटिंग्स ने 11.8% नीचे जाने का और गोल्डन सॉक्स 14.8% नीचे GDP रहने का एक आकलन या अनुमान, एक संभावना व्यक्त किया है। और इससे पता चल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डाउनफॉल में है और इस वित्तीय वर्ष में काफी गिरावट दर्ज की जाए। लेकिन एक शुभ संकेत है कि रेटिंग एजेंसी ने यह कहा कि 21-22 में भारत में विकास दर में तेजी आएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और लगभग 11% ग्रोथ होगा 2021-22 अगला वित्तीय वर्ष, लेकिन ये वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज किया जाएगा, ये अनुमान सभी एजेंसियों के द्वारा लगाया गया। अब एक न्यूज है चीन और भारत से जुड़ा हुआ। चीन और भारत काफी तनावपूर्ण स्थिति में जी रहे हैं, पड़ोसी देश हैं और बहुत लंबी LAC है तथा सीमा है अंतर्राष्ट्रीय दोनों का जुड़ा हुआ, और चीन अक्सर ये कर रहा है, कभी पेगोंग में, कभी डोकलाम में, तो इस तरह से कई जगह पर सीमा विवाद चल रहा है।
और अक्सर सैनिकों के बीच झड़प हो जा रही है और इसी के ध्यान में रख करके तनाव के बीच विदेश मंत्री जो भारत के हैं एस जयशंकर तथा चीनी विदेश मंत्री, इनका नाम याद रखना है वांग यी। तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी का 10 सितंबर को मॉस्को में एक मुलाकात हो सकता है, क्योंकि इसी समय SCO शंघाई सहयोग संगठन का एक मीटिंग होने वाला विदेश मंत्रियों का। तो शंघाई सहयोग संगठन में भारत भी है, चीन भी है, इसकी बात हम करेंगे SCO का अलग से जब वो मीटिंग शुरू होगा तब। तो ध्यान रखना है विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की 10 सितंबर को मॉस्को रूस में होना है SCO का मीटिंग। तो उसी के दौरान दोनों विदेश मंत्री की मुलाकात होगी और सीमा विवाद के मुद्दे पर कुछ बात हो सकती है। तो एस जयशंकर बराबर देख रेख कर रहे हैं और वो बराबर ये बातें बोल रहे हैं कि भारत अपनी स्थिति पर कायम है और वो पीछे हटेगा नहीं, और इसके ध्यान में रखकर के तनाव लगातार जारी है। तो ये ध्यान देना है। अगला ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। तो ध्यान रखना है विश्व सौर प्रौद्योगिकी सोलर टेक्नोलॉजी के डे के रूप में पहला मनाया जा रहा है जिसका उद्घाटन हुआ, और इसका उद्घाटन दो संगठन ने किया, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस तथा फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की ने, इन दोनों ने मिलकर के इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उस समय उन्होंने कहा अच्छे ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो परंपरागत एनर्जी है उसको छोड़ करके गैर परंपरागत ऊर्जा पर काम करने की जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर सौर ऊर्जा पर है, और सौर ऊर्जा पर पूरे भारत में काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ा जोर दिया है, बल दिया है। और अच्छे ऊर्जा के ध्यान दें, अच्छे ऊर्जा के संदर्भ में तो भारत विश्व में चौथे नंबर पर, इसको पहले नंबर पर लाने का काम चल रहा है, और कहा है कि भारत 2022 तक अपने अच्छे ऊर्जा का जो स्रोत है उसको 134 गीगावाट से बढ़ाकर 220 गीगावाट कर लेगा, और इसी लक्ष्य पर भारत काम कर रहा है। 220 गीगावाट तक कर लेगा का 2022 तक। तो ये उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। तो ये ध्यान रखना, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जिसका आयोजन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस तथा फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके द्वारा ये शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। और इसमें मुख्य जोर अच्छे ऊर्जा पर ध्यान रखना है, भारत चौथे स्थान पर है पूरे विश्व में, और सौर ऊर्जा में 2022 तक 134 गीगावाट जो उत्पादन हो रहा है उसको 220 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। एक ध्यान रखना है। एक और न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, फोर्स द्वारा, जो फोर्स मैगजीन है अमेरिका में, अमेरिकी की अमीरों की सूची जारी की गई है। तो फोर्स मैगजीन द्वारा अमेरिकी अमीरों की सूची जारी की गई, और इस सूची में 7 भारतीय मूल के लोगों को जगह दिया गया। मतलब जो सूची जारी हुई है अमीरों की अमेरिका में कौन कितने अमीर हैं, उस लिस्ट में 7 भारतीय मूल के अमीरों को भी जगह दिया गया है। इससे पता चलता है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका में अच्छा अपना स्थान और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, उद्योगों में उनका काफी नाम है, और इस तरह से 7 लोगों का जगह बनाना भारतीय मूल के लिए एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। एक न्यूज है, एक वैज्ञानिक के तौर पर प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का पुणे में निधन हो गया। काफी बुजुर्ग थे लेकिन निधन हो गया, और ये भारत के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि इनको भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का पिता कहा जाता है। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का पिता किनको? प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को कहा जाता है, क्योंकि पुणे में ही इन्होंने रेडियो तथा खगोल विज्ञान के लिए एक केंद्र की स्थापना किया था, और वो भारत में एक बड़ा वैज्ञानिक कार्य था जिसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और इनके मृत्यु को एक
पिता के मृत्यु के तौर पर देखा जा रहा है, और पिता किस क्षेत्र के, तो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के पिता के रूप में, तो एक ध्यान रखना। खेल क्षेत्र से एक बड़ा न्यूज है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी हैं पुर्तगाल के, और इन्होंने अपने देश के लिए मतलब पुर्तगाल की तरफ से खेलते हुए 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर दिए। ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 गोल करना एक बड़ा उपलब्धि माना जाता है किसी फुटबॉलर के लिए। जैसे क्रिकेट में सेंचुरी लगता है तो काउंट करते हैं कितना सेंचुरी लगाया, और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी लगाने का श्रेय सचिन तेंदुलकर के नाम है। उसी तरह से फुटबॉल में गोल का सैकड़ा लगाना एक बड़ी बात है, और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कर दिखाया। पुर्तगाल के खिलाड़ी अपने देश की तरफ से खेलते हुए 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जबकि दुनिया में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पुरुष खिलाड़ी अली देई हैं ईरान के, जिन्होंने कुल 109 गोल किए। तो 9 गोल ही पीछे हैं किनसे, अली देई से कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अली देई के जगह इनका नाम आ जाए। तो यही कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आपको ध्यान रखना है। पोषण सप्ताह सितंबर में मनाया जा रहा है, कोरोना की कोरोना वायरस की वैक्सीन रूस ने जारी कर दिया स्पुतनिक वी के नाम से। फिंच रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स, गोल्डन सॉक्स, ये सब ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरने वाली है और इस वित्तीय वर्ष में काफी बड़ी गिरावट होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होने वाली है 10 सितंबर को मॉस्को में। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आईएसए एंड फिक्की ने किया, उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा, और उन्होंने 2022 तक 134 गीगावाट के लक्ष्य को बढ़ा करके 220 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। छह ऊर्जा का फोर्स की अमेरिकी अमीरों की सूची में 7 भारतीयों को जगह दिया गया है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का पुणे में निधन हो गया, जिनको भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जबकि दुनिया में सर्वाधिक गोल अली देई के नाम से है जो ईरान के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए अभी तक। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, पढ़ाई में पूरी तरह से लगे रहें, एग्जाम अपने समय पर जब भी होगा हम तैयार रहें युद्ध के लिए, ऐसा ना हो कि युद्ध आए तब तैयारी शुरू करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले विषय के साथ। शाम में ज्योग्राफी का क्लास है, उसको देखें, और साथ ही क्वेश्चन आवर पर नजर रखें, जल्दी ही क्वेश्चन आवर आपका होने वाला है। थैंक यू, जहां रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें।